दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का डेली डायरी न्यूज़ में। दोस्तों यहाँ घर के अंदर आयशा और मुनव्वर के बीच में बढ़ती नज़दीकियों पर आप अपनी राय हमें ज़रूर देते हैं। जी हाँ, इस पर यहाँ मनारा का क्या टेक है, आखिर मनारा जो है इस पर क्या बोल रही है, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यहाँ लाइव फीड में लगातार देखने को मिल रहा है कि मुनव्वर जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं आयशा के साथ में। अब इसका रीज़न क्या है, क्या वाकई में वो जो है उनसे प्यार करने लगे हैं या फिर वाकई में यहाँ दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो जो है अपने दोस्तों के साथ में खड़े रहते हैं, बेशक उनके दोस्त शो पर आकर ही उनकी बैंड क्यों ना बजाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ वो जो है अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल जो है ज़रूर उठने वाले हैं। और ये सवाल उठ भी रहे हैं घर के अंदर, जहाँ मनारा का कहना है कि भाई जिस तरीके से आयशा की एंट्री हुई, जिस तरीके से आयशा ने इसकी धज्जियाँ उड़ाई, यानी कि मुनव्वर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कही, उसके बावजूद भी मुनव्वर उसके पास जा रहा है, खुद से उसको इनिशिएट कर रहा है, खुद से उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहता है, उसके साथ में बैठा रहता है, उसके साथ में खाना खाता है, उसके साथ में पानी पीता है, उसके साथ में एक बेड भी कभी कभी शेयर करने की उसकी जो इच्छा है वो नज़र आती है, वो जो है यहाँ हमेशा ही उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये वाकई में एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो कि हमें बता नहीं रहे हैं। इस पर यहाँ मनारा का जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं जेन्युइन लग भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप देख ही रहे होंगे कि लाइव फीड में मुनव्वर जो है फ़िलहाल आयशा के साथ में खाना खाते हुए नज़र आ रहा है, और ये जो खाना वो खा रहा है उसमें यहाँ हालांकि अभिषेक भी मौजूद होता है, लेकिन यहाँ बातों ही बातों में आयशा कह देती हैं कि भाई मैं जिस तरीके की लड़की हूँ, अगर यहाँ पर बोलना चाहूँ तो बहुत सारी बातें बोल सकती हूँ, लेकिन मैं जो है यहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। अब ये बात उन्होंने कही है क्योंकि मुनव्वर कह रहे होते हैं कि भाई मैं यहाँ आपसे काफ़ी सारी बातें करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। जी हाँ, तो जिस तरीके से यहाँ मुनव्वर ने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग का इजहार किया है, वो जो है सभी के दिल में एक सवाल उठा रहा है कि भाई आखिर चल क्या रहा है। बहरहाल दोस्तों, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मुनव्वर और आयशा की जो जोड़ी है वो जो है घर के अंदर सरेआम खुल्लम खुल्ला देखने को मिल रही है। इन दोनों का प्यार सरेआम खुल्लम खुल्ला देखने को मिल रहा है, हालांकि दोनों ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुनव्वर जो है अपनी दोस्त आयशा के साथ में खड़े हुए हैं, आयशा के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ उनको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वाक्या पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर दे सकते हैं कि आपको आयशा और मुनव्वर का ये प्यार पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आप हमें अपनी राय ज़रूर दें।